विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर उन्हें बाजार में बेचूं, इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है, हा? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रख कर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताज़ा ताज़ा मछलियाँ, आज की पकड़ी है बिल्कुल ताज़ा मछलियाँ है। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ है, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुँची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो, एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मछली है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियां बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा।